यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। इन तस्वीरों में आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का वो परिसर देख रहे हैं जहां पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने बड़े फिलिस्तीनी समर्थक सभा को तितर बितर करने का फैसला दे दिया है, आदेश दे दिया है। छात्रों, पूर्व छात्रों और कई लोगों का एक बड़ा समूह बैरिकेड्स वाले क्षेत्र के बाहर परिसर की सीढ़ियों पर इकट्ठा हो गया था, बैठकर विभिन्न वक्ताओं को सुनने के लिए, तालियां बजाने के लिए, फिलिस्तीनी समर्थक नारों में शामिल होने के लिए ये सब एकजुट हुए। बैरिकेडेड क्षेत्र में ही चश्मा लगाए हुए, हेलमेट्स पहने हुए देखा जा सकता है। साथ ही चिकित्सा सहायता केंद्र स्थापित भी किया गया है। प्रोटेस्ट इतना ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन फिर भी इजराइल समर्थक लोगों ने और यहूदियों ने कुछ संकेत दिए हैं। टी शर्ट्स पहने हुए छात्र इकट्ठा होकर छोटे से समूह के रूप में पास में जमा हो गए थे। बुधवार को लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में ही फिलिस्तीनी समर्थक शिविर के प्रवेश द्वार पर ही हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही। कार्यक्रम व्यवस्थित था, शांत तरीके से आगे बढ़ रहा था। लोगों के कतारों को देखा जा सकता था। आयोजकों ने उन्हें बुनियादी नियमों के बारे में भी निर्देश दिया था। ऐसा भी बोला गया निर्देशों में कि पुलिस या पत्रकारों से न उलझे। इसके कुछ घंटे पहले रात को इजराइल समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने छावनी पर हमला कर दिया, बैरिकेड्स को तोड़ दिया। शिविर को तितर बितर करने के लिए आतिशबाजी भी की गई। बुधवार को ही यूनिवर्सिटी में क्लासेस रद्द कर दी जाती हैं। प्रशासन ने एक बयान जारी कर शिविर के खिलाफ हिंसा के भयानक कृत्यों की निंदा की, जिसे गाजा में इजराइल के युद्ध के विरोध में बनाया गया था। प्रदर्शनों को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय पर दबाव बनाने का एक संकल्प लिया है। हम यूएसए की बात कर रहे हैं, किसी भी चेंज की शुरुआत छात्रों से ही हो सकती है। हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, जहां प्रेस फ्रीडम के दलीलें दी जाती हैं। लिबरल न्यूयॉर्क में NYPD ने कहा कि उसने मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक कोलंबिया विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में 282 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसा तब हुआ है जब पुलिस ने 30 अप्रैल से कोलंबिया यूनिवर्सिटी हैमिल्टन हॉल पर कब्जा करने वाले छात्रों को हटाया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र पत्रकार मेघनाथ बोस ने अल जजीरा को बताया है कि विश्वविद्यालय के गेट के अंदर वो मौजूद थे जब उन्होंने पुलिस को फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करते हुए देखा। NYPD को अंदर आने से रोकने के लिए गेट के ठीक सामने ही छात्र खड़े थे। ट्विटर पर एक पोस्ट में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ ऑपरेशंस पास डॉट्री ने कहा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने ही पुलिस से मदद करने की अनुरोध की थी। उन्होंने कहा कि पुलिस विश्वविद्यालय भवनों के अंदर अवैध कब्जे और बैरिकेड्स लगाए गए लोगों को हटा रही है, बस व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रही है। खैर, इस खबर से जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।